यूपी के महोबा जिले में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होकर के वापस लखनऊ जाते समय डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का हमीरपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान डिप्टी सीएम को भाजपा जिला अध्यक्ष ने जिला पुरुष और महिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी का हवाला देते हुए नए डॉक्टरों की तैनाती की मांग की है। आपको बता दें कि हमीरपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ने बताया कि वो लगातार सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं और आम लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की कोशिश भी कर रहे हैं। आज भी उन्होंने कई अस्पतालों का निरीक्षण करते हुए अनुपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि गोंडा में हुए ट्रेन हादसे में घायल हुए लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि हमीरपुर जिले के जिलाध्यक्ष सुनील पाठक ने पत्र के माध्यम से जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी का हवाला देते हुए पुरुष अस्पताल के लिए रेडियोलॉजिस्ट, सर्जन और फिजिशियन की मांग रखी और महिला अस्पताल के लिए दो गायनेकोलॉजिस्ट की मांग की है। जो चिकित्सक उपस्थित पाए गए हैं उनका एक दिन का वेतन काट रहे हैं। जहाँ सफाई व्यवस्था की जो एजेंसी है उसका एक दिन का जो बिल है वो हमने काटा है। यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं कई चिकित्सक उपस्थित मिले हैं उनके खिलाफ सरकारी कार्रवाई। अभी तो अस्पताल की स्थिति बहुत खराब है। आपने बताया पर और 29 लोग 26 लोगों को मलकापुर से और सर अखिलेश कह रहे हैं सरकार बनाइए, सरकार बनाइए।